नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर चर्चा किया था कि यहाँ पर मार्केट के अंदर अब जो मार्केट है, निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है वो अपने रेसिस्टेंस के आसपास पहुँच रही हैं, और हमने आपको रेसिस्टेंस समझाया भी था कि 19,500 का रेसिस्टेंस जो है वो यहाँ पर निफ्टी के अंदर है, और आप लोगों को बैंक निफ्टी में भी रेसिस्टेंस बताया गया था हमारी लास्ट वीडियो के अंदर। और मार्केट देखिए, वहाँ से ज़्यादा कुछ किया नहीं जब से लास्ट वीडियो पोस्ट हुई है। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि मार्केट का रेसिस्टेंस वो काम किया कि नहीं किया। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि 4 तारीख को जो वीडियो डली थी वहाँ पे आपको बताया गया था कि जो लाइन है, ये लाइन जो है 19,500 के ऊपर जो है रेसिस्टेंस है एग्जैक्टली। और देखिए दोस्तों, वहाँ से ही मार्केट ने रिवर्सल थोड़ा सा, या फिर कह सकते हो थोड़ी सी रिट्रेसमेंट जो है वो चालू कर दी है। तो यहाँ पर मार्केट के अंदर जो हमने लास्ट वीडियो डाली थी यहाँ पर थे हम, और अभी मार्केट के अंदर अभी उसी लेवल पे हम खड़े हैं, और रेजिस्टेंस जो है वो फर्स्ट टाइम काम डेफिनेटली कर रहा है। तो यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस को फेस करके वापस रिट्रेस हो रही है, ये हमको पता था पहले से, और वैसा यहाँ पे अभी भी मार्केट के अंदर हो रहा है। और दोस्तों, यहाँ पर जो अब इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर ये जो लाइन है, ये भी आपको लास्ट वीडियो में समझाई थी, दिखाई थी, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो लाइन है वो है ये वाली लाइन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये वाली लाइन जो है, ये रेसिस्टेंस लाइन थी। मार्केट ने प्राइस को मार्केट के प्राइस ने इस लाइन को कट किया और वापस ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद अब रिट्रेसमेंट जब होगी, तो आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट ये लाइन दोबारा रिटेस्ट हो सकती है। अब ये होगी कि नहीं होगी वो वक्त बताएगा, लेकिन ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो चुकी है कि अब ये लाइन दोबारा से रिटेस्ट हो सकती है। और तो ये रिटेस्ट जब होगी लाइन, तो यहाँ पर जो है ये लाइन जो है पहले रेसिस्टेंस का काम कर रही थी, और अभी ये लाइन सपोर्ट का काम करेगी। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ आपको ख्याल रखनी चाहिए अगले आने वाले दिनों के अंदर। तो यहाँ पर प्रेडिक्शन जो है वो सिंपल एक बार बता रहा है कि यहाँ पर प्रेडिक्शन थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के मूड में है, एंड इट इज़ नॉट अ बैड थिंग ओवरऑल। ये कोई बुरी बात नहीं है, मार्केट अगर 2-3 दिन रिट्रेसमेंट करे तो देन इट इज़ गुड। ठीक है, रिट्रेसमेंट के मूड में मार्केट है, ऊपर रेसिस्टेंस है 19,500 का लेवल के ऊपर। सो दिस इज़ ऑल वॉट द प्रेडिक्शन इज़ टेलिंग। बात कर लेते हैं फटाफट से बैंक निफ्टी की भी, उसके बाद डाटा पॉइंट देख लेंगे। तो बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन जो है वो क्या कह रहा है, तो बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन भी यही कहने की कोशिश कर रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बैंक निफ्टी की जो लाइन खींची हुई थी पहले से खींची हुई थी ये वाली, और यहाँ पर प्रेडिक्शन ने इसके ऊपर लाइन के ऊपर कभी भी क्लोजिंग नहीं दी है, और घूम फिर के मार्केट प्राइस फिर नीचे करेक्ट होना शुरू हो चुका है। और ये करेक्शन जो है डेफिनेटली यहाँ तक हो सकता है, क्योंकि ये वाला जो लेवल 2 लाइन आपको दिखा रखा है, ये बहुत पहले से मैं आपको दिखाता आ रहा हूँ। ये 1,000 पॉइंट का जो कंसोलिडेशन हुआ था पिछले 2 महीने के अंदर, वही ये लाइन है, वही लेवल है। तो ये लेवल का जो टॉप है वो है 44,500। तो 44,500 तक अगर मार्केट रिट्रेस होता है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इट इज़ द पार्ट ऑफ द मार्केट, एंड राइट नाउ द मार्केट इज़ रिट्रेसिंग टू इट्स सपोर्ट। तो यानी कि सपोर्ट लाइन जो अब है 44,500 की है, और निफ्टी के अंदर 19,100 की है। तो वहाँ तक अगर रिट्रेसमेंट होता है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो प्रेडिक्शन जो है वो इस वक्त रिट्रेसमेंट बता रहा है। रेसिस्टेंस आपको पता है, रेसिस्टेंस जो है 45,500 का है बैंक निफ्टी के अंदर, और निफ्टी के अंदर 19,500 का है। और प्रेडिक्शन जो है वो आपको अब समझ में आ रहा है, आ चुका है आई थिंक, एंड रेजिस्टेंस आपको पता है, और मार्केट रिट्रेस कर रहा है ये भी आपको पता है। ठीक है, तो बात हो गई प्रेडिक्शन की, फटाफट से बात कर लेते हैं हम लोग डाटा पॉइंट्स की भी। तो डाटा पॉइंट्स जो हैं वो इस वक्त क्या कह रहे हैं, डाटा पॉइंट्स जो हैं वो दोस्तों यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जैसे ही मार्केट रेसिस्टेंस के आसपास आया, उन्होंने अपने शॉर्ट्स कवर कर लिए, मतलब शॉर्ट पोजीशन जो बनी हुई थी उन्होंने वो क्लोज़ कर दी, और वहाँ पर उन्होंने लॉन्ग पोजीशन बनाई है रिटेल ट्रेडर्स ने रेसिस्टेंस के आसपास, जिसकी वजह से मार्केट ने गिरावट दिखाई है। तो यहाँ पर ऑलरेडी ये बात हो चुकी थी, जब तक ये लोग जो है रिटेल ट्रेडर स्पेशली जब तक यहाँ पर बेरिश रहेंगे तब तक मार्केट ऊपर जाती रहेगी। जैसे ही ये लोग बुलिश हो जाएंगे, और ये दोस्तों ये लोग जो है रेसिस्टेंस के आसपास ही बुलिश हुए हैं या आपके सामने हैं, तो मार्केट ने नेगेटिव रिएक्शन दिया है। तो इस वक्त इनकी रिटेल ट्रेडर्स की जो पोजिशंस हैं वो इस वक्त बुलिश हो गई हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो इनकी 2 लाख के आसपास पोजिशंस हैं बुलिश। FIs ने ज़्यादा कुछ एक्टिविटी नहीं की है, 1,01,000 की पोजीशंस थी, वो 96,000 हैं ऑन हैंड, यानी कि FII अभी मूड में नहीं है प्रॉफिट बुकिंग करने के। तो रिट्रेसमेंट के अंदर यहाँ पर एक्चुअल जो है मतलब रिटेल ट्रेडर्स को यहाँ पर ये लगता है कि मार्केट अभी ऊपर जाएगा, उन्होंने बुलिश पोजीशन बनाई है रेसिस्टेंस के आसपास। FIIs अभी कुछ ज़्यादा कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहा है, केवल 5,000 पोजीशंस ही क्लोज़ की हैं। ठीक है, प्रोप्राइटर्स ने अभी अपनी शॉर्ट पोजीशंस क्लोज कर ली हैं, ये न्यूट्रल बैठे हुए हैं, और शॉर्ट पोजीशन जो बनाई हैं वो बनाई हैं दोस्तों DIIs ने। तो DIIs यहाँ पर बेयरिश हैं थोड़े से,
और ये शॉर्ट पोजीशन जब इंक्रीज़ करते हैं थोड़ा सा मार्केट जाक लेता ही लेता है, देख सकते हो दो दिन के अंदर इन्होंने तकरीबन 25,000 पोजीशन शॉर्ट पोजीशन बनाई हैं। तो जिसकी वजह से रिटेल बुलिश है, DII बियरिश है, तो ओवरऑल एक बड़ा प्लेयर जो अभी रिटेल के अगेंस्ट में खड़ा हुआ है वो है DII इस वक्त। और बड़ा प्लेयर तो हमेशा जीतता ही है, या आप जानते हो छोटा प्लेयर हारता है। तो इस वक्त भी मार्केट का डाटा हम यही कह सकते हैं कि बियरिश है और FIIs अभी कुछ भी करने के मूड में नहीं है, आगे क्या करता है वो हम देखेंगे। प्रोपराइटर भी अभी कुछ नहीं कर रहा है, अपनी पोजिशन केवल क्लोज कर रहा है। तो यहाँ पर पोजिशंस जो बिल्ड हुई हैं वो केवल DIIs की हुई हैं। DIIs इस वक्त बियरिश है और रिटेल इस वक्त बुलिश है, ठीक है। डाटा इस वक्त ओवरऑल जो है वो इस वक्त बियरिश ही कहलाएगा। दोस्तों यहाँ पर FIIs की पोजीशंस भी चेक कर लेते हैं फटाफट से। तो FIIs की जो पोजीशंस हैं वो इस वक्त क्या कहती हैं, तो टोटल जो FIIs की जो पोजीशंस हैं वो 1,00,000 के ऊपर जा चुकी हैं फ्यूचर्स की, जिसका एवरेज जो है 18,915 के आसपास है और मार्केट इससे बहुत ऊपर है। मार्केट जो है 19,331 के आसपास है, तो 400 पॉइंट के प्रॉफिट में बैठे हुए हैं FIIs। FIIs ने थोड़ी सी शॉर्ट पोजीशंस ऐड करी थी 19,500 के लेवल के ऊपर कल, तो जो वो थोड़ी सी जो शॉर्ट पोजीशंस हैं वो 6,000 के आसपास हैं और वो इस वक्त 170 पॉइंट जो है वो भी प्रॉफिट में, तो दोनों तरफ इस वक्त प्रॉफिट में हैं। तो ओवरऑल एक सिनेरियो समझ में आता है हमको क्या, कि नीचे 19,000 का लेवल, ऊपर 19,500 का लेवल, ये दोनों लेवल जो है यहाँ पर मार्केट में इस वक्त, मतलब 19,000 का लेवल ये हो गया, 19,500 का लेवल ये हो गया, दोनों तरफ पोजीशन बनाई हुई हैं FIIs ने। और मार्केट थोड़ा सा अभी इसको दोनों लेवल्स के बीच में थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूज़ कर सकता है बहुत सारे लोगों को, और अभी मार्केट इन दोनों लेवल्स के बीच में रहने की मतलब पूरी पूरी गुंजाइश है अगले कुछ दिनों तक, ठीक है, ये वाली बात आप याद रखना। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, डाटा पॉइंट सब कुछ बता रहा है पहले से। तो अब देखते हैं, अब यहाँ पर फाइनली व्यू समझ में आ गया होगा, रेसिस्टेंस के आसपास बुलिश नहीं होना, मार्केट को रिट्रेसमेंट होने देना, सपोर्ट लेवल आपको बता दिया है, डाटा इस वक्त बेरिश है, रिट्रेसमेंट का मार्केट का मूड है। तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो और मार्केट के अंदर 19,000 से लेकर 19,500 तक का एक राउंड फिगर में एक 500 पॉइंट की जो रेंज है उसके अंदर मार्केट थोड़े वक्त तक रह सकता है, ये डाटा पॉइंट्स ही बता रहे हैं। तो ओवरऑल व्यू हमको समझ में आ चुका है एंड आई होप आपको भी क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों ये था वीडियो और मिलते हैं अब लाइव मार्केट के अंदर अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर कल, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं कल, थैंक यू।